दोस्तों इस बुक में शिफ्ट वाइज जितना प्रश्न दिया गया है आप लोग के बीच लाया हूँ। एनटीपीसी 2020-21 में जो भी प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न इस बुक में दिया गया है। अभी हाल ही में एनटीपीसी में जितना प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को आप लोग के बीच लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट टू है। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और आई बटन पर भी दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप। प्रश्न क्या है, कैसे देखेंगे? कैसे इसलिए कि 1 से 20 तक मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। तो आज देखेंगे हम लोग 21 से जितना भी प्रश्न है 21 से वो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो 21 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएनए का एजेंडा नहीं है? तो कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक एजेंडा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, विश्व का कुल जनसंख्या का 1/3 तक कमी करना जो है सतत विकास का एजेंडा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न क्या नेक्स्ट 22 बोल रहा है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा शैली का प्रयोग किया जाता है? तो कॉलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। घरों को सजाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है कॉलम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न क्या 23 बोल रहा है, क्या 23 में बोल रहा है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया डैश उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता है। किसका पद जो है महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री का जो पद है उसको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या 24 है, 24 में बोल रहा है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश के हिमालय में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न के 25 में क्या बोल रहा है, 25 में है, भारत का कौन सा शहर टेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर या जयपुर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चेन्नई जो है ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में क्या बोल रहा है, 26 है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अपर्णा कुमार, उसका नाम जो था अपर्णा कुमार, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। अपर्णा कुमार जो थे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा का पहली महिला अधिकारी बनी थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो एशिया स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, नेक्स्ट प्रश्न 28 में क्या बोल रहा है, 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन में ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी में जो है ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 29 नंबर, 29 में बोल रहा है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा शुरू किया गया था यंग बंगाल का आंदोलन। नेक्स्ट है 30 है, प्रश्न के 30 में क्या बोल रहा है, 30 है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला जो अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू जी थे जो भारतीय महिला अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में 31 बोल रहा है, चार मीनार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 में है, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, किसके अधीन कार्य करते हैं? तो राज्य के
उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 क्या बोल रहा, पुनः समझौता पर किस ने हस्ताक्षर किया था, पुनः समझौता जो हुआ था कौन कौन इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो हुआ था हस्ताक्षर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 34। प्रश्न संख्या 34 में बोल रहा जीन पियर हीरसेन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो इस पर जो आधारित है जो बुक का नाम है एज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द एज ऑफ टाइम जो है उनका पुस्तक का जीवनी पर आधारित लिखा गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा 2012 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विश्व खुशहाल रिपोर्ट के अनुसार 2012 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है पेंसिलिन एक प्रकार का क्या है। तो पेंसिलिन जो है एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेंसिलिन क्या है, एक प्रकार का कवक है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 में है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय स्रोत में आता है संश्लेषण गैस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संश्लेषण गैस जो है नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 में है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है रूस में है। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस में जो है सबसे अधिक भंडार किया गया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 40 और लास्ट देखेंगे। 40 में है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया हुआ था। तो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।